ये मैथ का काम है, एक्सरसाइज 8.2 है, फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वाली रकम हमने लिख ली, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस को सीकेंट 60, और नीचे सीकेंट 30 कॉस 60 प्लस को टेंजेंट 45, ये वाली रकम हमने लिख ली। ये फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट है। तो साइन 30 प्लस टेन 45 प्लस सीकेंट 60 ओवर, ये हो गया सीकेंट 30 प्लस कॉस 60 प्लस कोटेंजेंट 45। तो सीकेंट 30 की वैल्यू 1/2, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, को सीकेंट 60 की वैल्यू, ये साइन 60 का अपोजिट होता है तो 2/√3, और ये सीकेंट 30 भी 2/√3, ये कॉस 30 का अपोजिट होता है, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, और कोटेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1। तो ये 1/2 और प्लस 1 हमने यहाँ भी ब्रैकेट में लिख लिया, और 1/2 + 1 ये भी ब्रैकेट में लिख लिया। तो इसका आंसर होगा 1.5 मीन्स 3/2 माइनस 2/√3, और ये 2/√3 + 3/2, ये ठीक है। एक में 3/2 में ये माइनस हो रहा है, एक में 3/2 में ये प्लस हो रहा है। तो इसका जो एलसीएम आ गया ऊपर वाली रकम का 2√3, और नीचे वाली का भी 2√3, तो इसको इसके साथ किया 3√3 - 4, और इसको भी 3√3 + 4 कर दिया। तो ये वाली रकम लिख दी, और ये वाली रकम का रेसिप्रोकल ऊपर आ गया 2√3/3√3 + 4, यहाँ पर लिख लिया, ये कट गया। तो आ गया हमारा 3√3 - 4/3√3 + 4। तो ये वाली जो प्लस की रकम है, यही रकम सेम लिख के माइनस लिख के दोनों तरफ सेम ऊपर नीचे लिख के इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब होता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन के बाद ऊपर आ गया a-b × a-b, मतलब a-b का स्क्वायर हो गया, नीचे a+b × a-b, ये होता है a² - b² जहाँ पर हम लिख भी सकते हैं a+b × a-b = a² - b². तो इसका 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ भी a² + b² - 2ab, ठीक है। यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4, ये लिख लिया 2ab, ठीक है। ये हो गया a² - b² तो 3√3 का स्क्वायर हो गया 3 × 3 = 9, और √3 का 3 तो 9 × 3 = 27, और ये 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, और ये 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 √3, और 3√3 का स्क्वायर फिर 27, और 4 का स्क्वायर फिर 16। 27 और 4 = 16 प्लस करके आगे 43, माइनस ये आ गया 24√3, 27 में से 16 माइनस किए तो आ गया 11। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे हमने ये फिफ्थ सम है 5 cos² 60, ये लिखा है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30, और 4 sec² 30 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 45 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 45 ओवर साइन स्क्वेयर 30 प्लस कॉस स्क्वेयर 30। तो ये कॉस स्क्वेयर 60 की वैल्यू, कॉस 60 होता है 1/2, इसका स्क्वेयर लिख लिया प्लस 4 × sec² 30 होता है 2/√3 का स्क्वेयर लिख लिया, माइनस टेन स्क्वेयर 45 का हो गया 1 का स्क्वेयर 1 ही रह गया। तो साइन स्क्वेयर 30 1/2 का स्क्वेयर, और कॉस स्क्वेयर 30 √3/2 का स्क्वेयर। तो ये आ गया 1/2 का स्क्वेयर हो गया 4 1/4 5/4 आ गया, तो 4 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, √3 का स्क्वेयर 3 माइनस 1, ये आ गया 1/2 का स्क्वेयर 1/4, √3/2 का स्क्वेयर 3/4, और इसका एलसीएम 4 × 3 = 12 आ गया, 5 × 3 = 15, 16 × 4 = 64, −12 × 1 = 12 ओवर 12। तो ये इसका एलसीएम 4 आ गया, 1 + 3 = 4, 4/4 = 4,
इजिकल टू वन, तो वन का हमने कुछ नहीं लिखना, यही रकम लिखनी है। तो 15 और 64 प्लस करके 79, 79 में से 12 माइनस करके 67, तो टोटल जो सम है इसका आंसर आ गया 67 ओवर 12। तो ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया।